बिहार में अब भगवान भी सुरक्षित नहीं है। बीते रात चोरों ने कुर्सेला थाना क्षेत्र के अयोध्यागंज ठाकुरबाड़ी में बेहद प्राचीन राधा कृष्ण और माता रुक्मणी के अश्वधातु की मूर्ति के साथ साथ पत्थर के कई छोटे मूर्तियों का बनाया निशाना। चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर इन मूर्तियों को चुरा ले गया। वहीं मंदिर के पुजारी के माने तो वह शाम में ही पूजा के बाद मंदिर में ताला मारकर चला गया था। उन्हें स्थानीय लोगों से इसकी सूचना मिला है। DSP अमरकांत झा ने कहा कि मामले के बारे में जानकारी मिला है। हालांकि अब तक इस पर लिखित आवेदन नहीं मिला है, लेकिन पुलिस मामले पर जांच शुरू कर दिया गया है। बीटी न्यूज बिहार के लिए कटिहार से मनीष कुमार की रिपोर्ट। क्या लगता है कैसे चोरी हुआ? चोरी ताला तोड़ के मूर्ति चोरी हो गया, और अगल बगल में जो शंकर जी का मंदिर है, रानी सती का, उस सब में ताला लगा हुआ, उसमें से कुछ नहीं ले गए? नहीं, कुछ खाली मूर्ति ही इसमें से गया। जी बताइए, क्या घटना घटी है मंदिर में? घटना सामने का दोनों ताला तोड़ के अंदर जो है मेन गेट का जो है ताला दोनों तोड़ के, और तीन मूर्ति था, राधा जी का और कृष्ण जी का और रुक्मिणी जी का, हाँ तीनों मूर्ति ले गया, और छोटा छोटा मूर्ति था शालीग्राम का, तीन चार पाँच ठो, वो पाँचों मूर्ति छोटा वाला पत्थर का वो था, वह ले गया। और मूर्ति कौन धातु का था? मूर्ति तो जो है सब जो कहता है कि जो अष्ट धातु, तो हम भी अष्ट धातु का के पूजा करते हैं सभी। कितने बजे का घटना है? हमको तो सवा 11:30 बजे जो है लड़का सब जो गया हमको घर पे बोलने के लिए, हम तो शाम में आरती करके लॉक कर देते हैं मंदिर रोड को, हाँ, और मंदिर आजकल दिन में भी नहीं खुलता लॉकडाउन के चलते, सुबह शाम पूजा करके लॉक करके चले जाते हैं। इससे पूर्व भी इस मंदिर में ऐसा कोई घटना हुआ? हाँ, एक मूर्ति उसी में से चोरी हुआ था, जिसको रिलीज करवा के लाए प्रशासन के द्वारा जो है वो बरामद हुआ था। कब हुआ था घटना? घटना है 2011 का। क्या नाम है आपका? रमेश जोशी। कितने दिन से इस ठाकुरबाड़ी में आप रह रहे हैं? हम तो इसमें 30-35 साल हो गया।